बिहार में मानसून के दस्तक देते ही अब बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ बूढ़ी गंडक अपने उफान पर है, तो वहीं गंगा भी उससे पीछे नहीं दिख रही। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय के बलिया अनुमंडल के शिवनगर दियारा इलाके में, और जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही है वह निश्चित रूप से बाढ़ की तस्वीर दिखाई दे रही है। यह जो कटाव आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से यह कटाव एक हैरत अंग्रेज कटाव के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ लोग यहाँ सुबह से ही लगे हुए हैं, जिनकी ज़मीन है, जिनका यहाँ संपत्ति है, वो लोग सुबह से ही यहाँ डटे हुए हैं। सरकार और सिस्टम जो है सो क्या माने व्यवस्था लगाते हैं बाढ़ की पीरियड में यहाँ दियारा क्षेत्र लगे अपने न अथी करबे गे ना, सरकार कहथिन कि हमें करिए गे ना, ये जब कटाव नहीं रोकथिन तो कोई उपाय छे गे ना। गाँव में पानी आबे छे तो कोई बाल बच्चा सब बलिया भागे छे, कोई जो नहीं रहे छे गे ना, अथी करके खाए पर आफत पड़ जाए छे गे। कोई अगर बीमार हो छे तो स्थिति में आबे छथिन कोई देखे? कोई ना, मर जाए हरा जाए कुछ देखे वाला कोई नहीं, कोई कुछ नहीं देखे ला आबे छे गे। मर गेला तैयो, जी गेला तैयो, कोई देखे वाला नहीं। केना जिए छी अहाँ, जीवन यापन केना करे छी? केना भगवान भरोसा, कोई देखे वाला कोई छै नहीं, के देखते गे। डॉक्टरो वैद्य आबे छै नहीं आबे छै। हर साल नेता वोट ले लबे, अबरी जब वोट ले लै तब की करबे? अब वहन होते दंगे लखले चुरल जेते गे, दबारल जेते गे कि वोट नहीं पड़त गे। जब हमरा इधर अच्छा करबे न करते तब हम वोट दे की करबे? तब कि इस ढंग की भयावह स्थिति इस दियारा इलाके में बनी हुई है, बावजूद इसके ना कोई क्षेत्रीय प्रतिनिधि यहाँ दस्तक दे रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन दस्तक दे रहा है। यही कारण है ये लोग इस स्थिति को देखते हुए आने वाले चुनाव में वोट बहिष्कार का भी साफ तौर पर चर्चा कर दिया। कुछ युवा भी हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप क्या जानते हैं और क्या जानकारी रखते हैं? लमसम यहाँ जो है ना 50 बीघा परवल था, वो सब कट के गिर गया, और जो मालजाल के लिए घास उस लगा के रखे थे वो भी गिर गया। अब केवल जो भैंस उस है वो बल्लू में बैठेगा और भुस्सा खा के रहेगा बस। नेता लोग जो आते हैं बड़े बड़े दावे करने के लिए आपसे वोट ले, दावा काम नहीं करता उनका, वोट दीजिएगा फिर? कोई वोट नहीं, वोट उनका अब की बार जो है ना, अगर ये गंगा कटाव रुक गया तो ठीक है, नहीं रुका तो हो गया, कोई वोट नहीं। जैसे बाढ़ की समय में बीमारियां फैलती है तो उससे कोई नहीं आदमी आते हैं, बांधे पर जो सुविधा दे, यहाँ से आप जाइए हेल के बांध पर से आइए, उधर एक महलम देगा, पकुआ होल है लगा लीजिए। खाने पीने का क्या? खाने पीने की व्यवस्था नहीं, बाहर उधरे बनाता है स्कूल पर, दूसरे कोई खा के चल जाता जब तक हम लोग जाते हैं। क्या लगता है अधिकारी सिर्फ कागज पर ही रिपोर्ट देते हैं? हाँ, कागज पर रिपोर्ट दे के अपना जो है रुपया कमा लेते हैं, चले जाओ जनता, जाओ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, सो कहानी लाज नहीं है। इनका साफ तौर पर कहना हुआ कि बाढ़ जब आती है अधिकारी यहाँ मॉनिटरिंग करना मुनासिब नहीं समझते हैं और सिर्फ कागज पर ही सारा हिसाब किताब करके ऊपर से माल गपत गोल कर लेते हैं। ऐसे में एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बाबा की स्थिति हर साल आबे छे, जो नेता जो यहाँ के जो छथिन विधायक या जो भी प्रशासन छे वो की करे छे मदद? ऐसे जो भी हो लेकिन जो है अपना पेट भरते हैं, हम लोगों को ऐसा इर्द गिर्द कुछ दे देते हैं जो बात है, और क्या हम बोले। हजारों आबादी वाला ये गांव है और हजारों आबादी हम हर साल प्रभावित होती है, इस बार भी जो भयंकर स्थिति है इसमें जो स्थिति भयावह होगी उसमें किसको नेता लोग आते हैं, प्रशासन लोग आते हैं? आते जाते हैं लेकिन बहुत प्रभाव हम नहीं देख रहे हैं। अब रोडे पर से सब कुछ वितरण हो जाता है, यहाँ लोग ललाइते रह जाते हैं। क्या लगता है खाली कागजे पर काम हो जाता है? कागजे पर हो जाता है, और कुछ गांव में देता है तो कोई किए कैसे किया खा पी जाता है, उतना भी सब नहीं जानता है। कभी कभी आता है तो शांत दुशांत खाता पीता है लोग। बाढ़ में हजारों एकड़ जमीन चला जाता है गंगा में, तो कितना चला जाता है तो हजारों का कौन पूछता है। देखिए ना, जहाँ तक नज़र है तहाँ तक ही सब नज़र है, जमीन का सब धराशायी हो गई। स्कूल भी प्रभावित होता है बाढ़ में, बच्चे लोग कैसे तब जाते होंगे पढ़ने? स्कूल कहाँ से जाएगा, स्कूल का ठिकाना नहीं है, पानी ढुक जाता है उसमें, तब कहाँ से होगा? स्कूल बंद हो जाएगा, जो है सब पानी इसमें लग जाता है, पानी पूरा लगता है, अलाव के भर मर्द पर पड़ता है। बाढ़ में तो बाबा बीमारी भी फैलता होगा, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग यहाँ आता है?
अरे आता है जाता है, हम उतना नहीं जान सक पाते हैं। दवाई दारू कुछ नहीं देता है, बहुत कम के रूप में वो हमको दिया, हम किसी को कुछ कुछ दे दिया बस, यही बात। आराम कुछ न होता है, कुछ न कुछ न, भगवान माता के बोल पर रहता है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि भगवान भरोसे इन लोगों का जीवन यापन यहाँ होता है, सरकारी तंत्र और सरकार यहाँ कोई किसी तरह की दस्तक नहीं देते हैं, बस उनकी दस्तक यहाँ पहुँचती है तो सिर्फ चुनाव के वक्त ही पहुँचती है। ऐसे में सरकार और सिस्टम को सोचना होगा कि अगर अब भी उनकी नज़र इन इलाकों पर नहीं पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वोट बहिष्कार करेंगे और फिर इसका सारा खामियाजा सरकार और सरकारी तंत्र को भुगतना पड़ेगा। ऐसी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ अब बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।